90 का दशक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय था, जहां एक तरफ टीम में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड खिलाड़ी दाखिल हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ टीम पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगा था, जिसके चलते कई बड़े खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया था। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था जो एक शानदार फील्डर था और उसकी गिनती उस दौर के बेहतरीन फिनिशर्स में होती थी। नमस्कार, मैं हूं सुमित और अनसंग हीरोज ऑफ क्रिकेट की इस खास सीरीज में आज बात भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा की। अजय जडेजा का पूरा नाम अजय सिंह जी दौलत सिंह जी जडेजा है। उनका जन्म 1 फरवरी 1971 को गुजरात के जामनगर शहर के एक शाही परिवार में हुआ था। क्रिकेट तो उनके खून में था। उनके पूर्वज राजा रणजीत सिंह जी और दिलीप सिंह जी ने भारत में क्रिकेट की नींव रखी थी। जब भारत में हॉकी का बोलबाला हुआ करता था, उस वक्त रणजीत सिंह जी और दिलीप सिंह जी ने भारत में क्रिकेट को फैलाया और बाद में उन्हीं के नाम पर भारत में रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत हुई। अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर आगे बढ़ते हुए अजय ने क्रिकेट को ही अपना करियर चुना और साल 1988 में हरियाणा की टीम से खेलते हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा। जल्द ही उनका भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना भी पूरा हुआ और 1992 के बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया। हालांकि बारिश के कारण वो मैच धुल गया और जडेजा को मैच में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। उस वर्ल्ड कप में जडेजा ने दुनिया को अपने शानदार फील्डिंग और बल्लेबाजी की झलक दिखा दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर के दूसरे मैच में जडेजा ने एलन बॉर्डर का ऐसा अद्भुत कैच पकड़ा कि बस दुनिया उनके फील्डिंग की दीवानी हो गई और इसके बाद से ही उनकी गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में होने लगी। उसी वर्ल्ड कप के अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अजय जडेजा को ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए 46 रनों की पारी खेलकर सभी को अपनी बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया। इसके बाद जडेजा ने भारत के लिए कई मैच विनिंग पारी खेली, जिसमें सबसे प्रसिद्ध 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी 45 रनों की पारी है, जिसमें उन्होंने वकार यूनिस के आखिरी दो ओवरों में 40 रन ठोक दिए थे। जडेजा की उस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आज भी कई भारतीयों का मन झूम उठता है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में चौथे और पांचवें विकेट के लिए सबसे लंबी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड जडेजा के नाम है। साल 1997 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए एक वनडे मैच में उन्होंने अजरुद्दीन के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 223 रन जोड़े थे, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। एक साल बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बार फिर जडेजा और अजरुद्दीन की जोड़ी चमकी थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 275 रन जोड़े थे। जडेजा की ये दोनों ही पारियां आज भी उनके फैंस के दिमाग में ताजा हैं। अजय जडेजा के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का एक और यादगार पल साल 1999 में आया था, जब उन्होंने टीम को अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया था। 1999 में शारजा में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस मैच में जडेजा ने एक ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट झटका था और भारत को 20 रनों से मैच भी जिताया था। अजय जडेजा ने 13 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी भी की है और कई लोगों का ये भी मानना था कि वो आगे जाकर भारत के कप्तान भी बन सकते थे। वनडे में डेब्यू करने के कुछ महीनों बाद ही अजय जडेजा ने 1992 में नवंबर के महीने में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का भी आगाज किया। हालांकि वनडे के मुकाबले टेस्ट मैचों में उनका रिकॉर्ड उतना प्रभावशाली नहीं रहा और उनका टेस्ट करियर महज 15 मैचों तक ही सिमट कर रह गया। क्रिकेट के साथ साथ जडेजा अपनी लव स्टोरी के लिए भी मशहूर हुए थे। अपनी मुस्कान से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के चाहने वालों की लंबी लिस्ट है। उनका नाम संजय दत्त अनिल कपूर के साथ जुड़ता रहा है, लेकिन माधुरी का दिल फिसला क्रिकेटर अजय जडेजा पर। दोनों की मुलाकात एक मैगजीन के फोटोशूट के दौरान हुई थी। पहली ही मुलाकात से माधुरी और अजय के अफेयर के किस्से उड़ने लगे। माधुरी से नाम जुड़ने के बाद अजय जडेजा के फिल्मों में आने की भी चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, माधुरी ने एक प्रोड्यूसर से अजय को फिल्मों में लेने की सिफारिश भी की। माधुरी से जुड़ने का असर जडेजा के खेल पर देखने को मिला और उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। जडेजा के खेल पर असर पड़ने से उनका परिवार नाराज था और परिवार ने उन्हें खेल पर ध्यान देने की सलाह दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जडेजा रॉयल फैमिली से थे जबकि माधुरी एक मध्यम वर्गीय फैमिली से। इस वजह से अजय जडेजा का परिवार इस अफेयर को लेकर खुश नहीं था और वो माधुरी के साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अफेयर की खबरों के बीच अजय जडेजा का नाम अजरुद्दीन के साथ फिक्सिंग में उछला और इस वजह से माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। मैच फिक्सिंग का आरोप अजय जडेजा के करियर के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। उनका करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा था तब सन 2000 के शुरुआत में ही मैच फिक्सिंग के कारण अजय जडेजा को 5 वर्षों की अवधि के लिए खेल के सभी प्रारूपों से बैन कर दिया गया। अजरुद्दीन और जडेजा के साथ साथ मैच फिक्सिंग की गाज निखिल चोपड़ा और नयन मोंगिया जैसे खिलाड़ियों पर भी गिरी थी। जडेजा पर लगे इस प्रतिबंध को बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और 27 जनवरी 2003 को जडेजा फिर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जडेजा अपने 15 टेस्ट और 196 एक दिवसीय मैचों के अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुछ और नहीं जोड़ पाए। साल 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में जडेजा ने अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेला था। उस मैच में जडेजा ने 93 रनों की पारी खेली थी और भारत वो मैच 44 रनों से हार गया था। इसी दौरान उन्होंने साल 2000 में ही अदिति जेटली से शादी कर ली। अदिति देश के एक बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। उनकी माँ जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष थी। पेशे से बेली डांसर अदिति भी अजय से काफी प्रभावित थी और घर वालों की मंजूरी से दोनों ने शादी कर ली। दाएं हाथ के मध्यक्रम बल्लेबाज अजय जडेजा ने भारत के लिए 15 टेस्ट मैच खेलकर 26.18 की औसत से 576 रन बनाए थे जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि टेस्ट की तुलना में जडेजा के वनडे क्रिकेट के आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं। जडेजा के नाम 196 वनडे मैचों में 37.40 की औसत से 5,359 रन दर्ज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 30 अर्धशतक निकले। जडेजा के नाम 20 इंटरनेशनल विकेट भी दर्ज हैं। ये विकेट उन्होंने एक दिवसीय मैचों में लिए थे। क्रिकेट के बाद अजय ने अभिनय में भी हाथ आजमाया लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। साल 2003 में फिल्म खेल से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में अजय जडेजा के साथ सनी देओल, सुनील शेट्टी और सेलिना जेटली जैसे कलाकार थे। साल 2009 में उन्होंने वी कृष्ण कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म पल पल दिल के साथ में भी काम किया। इसके अलावा अजय जडेजा सेलिब्रिटी डांस शो झलक दिखला जा और कॉमेडी सर्कस में भी दिखाई दिए थे। 2013 में जडेजा ने अभिषेक कपूर की फिल्म काइपो चे में कैमियो भी किया। इसमें उन्होंने क्रिकेट एक्सपर्ट की भूमिका निभाई थी। साल 2015 में जडेजा को दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में जडेजा कमेंट्री के माध्यम से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो ये थी भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।